आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने नवे साल में हमें प्रवेश करवाया है। उसी की स्तुति युगानुयुग होती रहे। मैं पास्टर हरमेश मसीह आज आपसे बात करेंगे कि लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल को आपके साथ क्यों जोड़ा गया है। हमारी टीम का यही उद्देश्य है कि आप उस बात पर ध्यान करें जो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर कही है। जितनी बातें प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर कही है उनमें से एक ये बात बहुत ज़रूरी है जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 28 के 20 वचन में बोली है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है माननी सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहना चाहते हैं। अदन की वाटिका में ये नाता टूट चुका था। इसी ही संबंध को बहाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठ के यही पेशकश हर एक इंसान के लिए की कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह की ही इच्छा नहीं आपके साथ रहने की, परमेश्वर की भी यही इच्छा थी। यशायाह 41 उसके 10 वचन में यही लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और मैं आपके संग भी रहूँगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग जाने से पहले एक बात और कही, प्रेरितों के काम 1 अध्याय और इसके 8 वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और पवित्र आत्मा भी आपके साथ रहना चाहता है। इन सब बातों का निचोड़ संत पौलुस ने 2 करिन्थियों 13 अध्याय और उसके 14 वचन में बोला हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभाग्यता तुम सबके साथ होती रहे। जो वचन बोले गए हैं इन वचनों को मद्देनजर रख के लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल को बनाया गया है। इस चैनल पे टीचिंग ही ज़्यादा हम डालते हैं ताकि आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सको। इस चैनल का उद्देश्य आप सबको प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ना है और गहरी शिक्षा को लेके स्वर्गीय राज तक पहुंचना है। ये चैनल कमाई के लिए या किसी पर्सनल चर्च की एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है। इसलिए इस चैनल के हर एक मैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की, आमीन।